वो आज ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं अपने स्कूल के अंदर ईद की या फिर बकरीद की नमाज पढ़ने आया हूँ। से जाते हुए और आते हुए दोनों वक्त तकबीरात का पढ़ना मसनून है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए व्लॉग में। सो गाइस, आज है बकरीद का त्यौहार और आज हम आए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और नमाज़ पढ़ने अपनी एक ख़ास जगह पर आए हैं जो हमारा बचपन की यादें ताज़ा एक बार फिर से हो गई, यानी कि हमारा स्कूल। सो फाइनली ये हमारे स्कूल का एंट्रेंस, ये है एंग्लो अरेबिक। अब यहाँ से चलते हैं नमाज़ पढ़ने, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद है अंदर। भाई काफ़ी बड़ा स्कूल है, इस साइड पर हमारी प्रेयर हुआ करती थी किसी टाइम में, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाया करते थे। भाई पुरानी यादें ताज़ा, कितने साल के बाद मतलब कि मैं आज आया हूँ। बड़े सुकून की जगह यार, प्यारी सी वाइब। उस टाइम तो नहीं समझ पाए मगर आज हर रियलाइज़ होता है। तो अभी नमाज में एक घंटा है, फटाफट से नमाज़ पढ़ते हैं। अरे यहीं पर ही बैठ जाते हैं अभी हैं यार। ये है बड़ी प्यारी सी मस्जिद। भाई कम से कम 10 साल के बाद आया हूँ आज मैं यहाँ पर, 10-11 साल के बाद। भाई लिटरली बहुत बड़ा स्कूल है अपना, बहुत बड़ा। और यही नहीं है, इसके पीछे ग्राउंड्स भी हैं बहुत सारी, वहाँ पर क्लासें बनी हुई हैं, उस साइड में ग्राउंड है, और एक छोटा सा पार्क बना हुआ है ये वाला। अभी क्वालिटी बैड आ रहा है क्योंकि दिन निकला नहीं है। आज ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है इतने सालों में जब से मैं पैदा हुआ हूँ, आज ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं अपने स्कूल के अंदर ईद की या फिर बकरीद की नमाज़ पढ़ने आया हूँ। क्योंकि ज़्यादातर हमने नमाजें फतेहपुरी मस्जिद में पढ़ी हैं या फिर जामा मस्जिद हो गई। ये मेरा फर्स्ट टाइम है अपने स्कूल में नमाज पढ़ने का। यहाँ हमारे स्कूल में ना हॉस्टल्स बने हुए थे, देखो ये सारे ये हॉस्टल्स एरिया है, और देखो यहाँ पर लिखा भी है हॉस्टल, मिर्जा महमूद बेग हॉस्टल। भाई बहुत ही बड़ा है ये, बहुत बड़ा। ये सारे गार्डन बने हुए, जबरदस्त लगता है मुझे तो। अभी नमाज में हमारे एक घंटा है तो इसलिए इधर उधर घूम लेते हैं, क्योंकि पब्लिक भी धीरे धीरे करके आने स्टार्ट हो रही है। ये यहाँ का वजू खाना है, यहाँ तो जगह बहुत है यार। नमाज का टाइम हो चुका है गाइस, पहले नमाज पढ़ते हैं फिर उसके बाद से मिलूंगा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक याद और उनकी एक सुन्नत है जिसको अल्लाह ने कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए जिंदा फरमा दिया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि हमने हजरत इब्राहिम को एक औलाद की बशारत दी, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब वो नाउम्मीद हो चुके थे, और जब उनके यहाँ वो औलाद पैदा हो गई और कुछ समझदार हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाइश के लिए, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये मालूम है कि हजरत इब्राहिम हमी से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन मलाइका में हजरत इब्राहिम के मकाम को और भी बुलंद करने के लिए यह हुक्म दिया आप में कि आप अपने बेटे को ज़बह करें हमारे लिए। फलम्मा बलगा माहु सया काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। जब वो हजरत इब्राहिम के बेटे समझदार हो गए तो हजरत इब्राहिम को ख्वाब में नजर आया, ख्वाब 8 ज़िलहिज्जा को हजरत इब्राहिम ने देखा। आप में देख रहे हैं कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। सुबह हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जहन में आया कि शायद ख्वाब ही था, कोई खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन नबी ज़िलहिज्जा को फिर से ही ख्वाब उसी तरह नजर आया, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ख्वाब में जो कुछ दिखा रहे हैं उसके करने का मुझे हुक्म दिया जा रहा है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप हैं और औलाद भी ऐसे वक्त में मैसर हुई जब वो नाउम्मीद हो चुके थे, तो अपने बेटे से कहने लगे इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ये मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, यानी इशारा है अल्लाह की तरफ से कि मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दूँ। अब बतलाओ तुम्हारा दिल क्या कहता है, क्या तुम इस आजमाइश के लिए, इस कुर्बानी के लिए तैयार हो? तो नबी की औलाद और आगे चल के वो भी नबी होने वाले हैं, फौरन फरमाया या अबा इफ़अल मा तुमर। अब्बा जान, जो कुछ देखा है, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है, आप वो काम कर दीजिए। ये एक बाप के लिए बड़ी आजमाइश थी कि वो अपनी औलाद को ज़बह करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी ही आजमाइशों के बाद कुरान करीम में हजरत इब्राहिम के मकाम को बुलंदतर करते हुए फरमाया वइज़ इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्मा। हमने हजरत इब्राहिम को मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया है, उनका इम्तिहान लिया है, और हमने हर इम्तिहान में, हर आजमाइश में हजरत इब्राहिम को पूरा पाया। उनकी आजमाइशों में कामयाबी के बाद हमने उनको इंसानों के लिए राहबर और रहनुमा और अपना पैगंबर
बनाया है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के अंदर कोई बड़ा मकाम बगैर कुर्बानी के नहीं हासिल होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बकरीद की नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है जो कि पढ़ी थी अपने स्कूल में। भाई मज़ा आ गया नमाज़ पढ़ने में, मगर मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है यार, बहुत गर्मी हो रही है। मौसम तो अच्छा है खैर, मगर हवा नहीं चल रही बिल्कुल। तो अभी नमाज़ तो हमारी अदा हो गई है, अब कुर्बानी का देखना पड़ेगा कि कुर्बानी करने के लिए कसाई कितने टाइम के बाद आएगा। बिकॉज ना जल्द से जल्द मैं चाह रहा हूँ कि कुर्बानी हो जाए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि फारिग हो जाएंगे फिर गोश्त भी बांटने की तैयारी करनी होगी। चलो अब चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो चुकी है हमारी, अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, कुर्बानी की तैयारी करते हैं। घर पहुँच के पहले पियेंगे चाय, फिर उसके बाद से कुर्बानी की तैयारी। और हमारा हो चुका है रोज़ा, मतलब रोज़ा वो कि कुछ खाना पीना नहीं जब तक कुर्बानी नहीं होती। अब हमने नमाज पढ़ ली है तो कुछ खाना वाना बिल्कुल भी नहीं है, चाय वाय तो पी सकते हैं, बस खाना वाना नहीं है। बस इतना होता है एहतराम के कुर्बानी के अकॉर्डिंगली ज्यादा से ज्यादा सवाब बटोरो ना, तो इसमें बेनिफिट है। अब निकालते हैं गाड़ी, पहले तो भाई चाय पीने, चाय वाला ढूंढो कहाँ है बढ़िया, फिर उसके बाद से सारे काम आगे होंगे। तो भाई साहब आज तक नहीं देखा मैंने इतना क्लीन रोड। एक छोटी सी चाय का सिर्फ पीने के लिए हम इतना लंबा भटकता है, मतलब 4 से 5 किलोमीटर भी हम आगे आ गए होंगे। यहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे मिलेगी मेरे ख्याल से। यहाँ तो हमारे को चाय मिल जानी चाहिए एटलीस्ट, अगर नहीं मिली ना भाई मूड खराब हो जाएगा सारा। यहाँ पर मिलेगी, अरे मेला भी लग गया भाई, चलो चलो मर जाओ। यहाँ पर तो मिलनी चाहिए यार चाय, यहाँ पर नहीं मिली ना मूड खराब हो जाएगा भाई। 5 से 5.5 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई है यार, यहाँ पर भी नहीं है चाय वाला, यहाँ तो बैठता है यार चाय वाला। इतनी देर भटकने के बाद हमने फैसला लिया शीशगंज गुरुद्वारे पे जाएं, वहाँ पर सामने चाय बनाता है बड़ी लाजवाब। देखो वैसे जगह जगह चाय वाले होते हैं, चाय वाला कोई नहीं है यार। चलो यहाँ से मोड़ लेते हैं गाड़ी राइट। मुझे लग रहा है कि हमने बहुत पहले ही नमाज पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ लो बढ़िया रहता है। 6:05 मजा आ गया नमाज पढ़ने में। नमाज पढ़ने के बाद जो मौसम हुआ, हाँ हाँ सुहाना। तो जी भटकते भटकते चांदनी चौक पर पहुंच गए, आगे आने वाला शीशगंज गुरुद्वारा। तो गाइस अभी आ चुके हम चांदनी चौक पर। एक चीज और बताऊं कि यहाँ पर होने वाली है नमाज जो कि फतेहपुरी मस्जिद की होगी, इस वाली पट्टी पे नहीं, गुरुद्वारे से आगे आगे होती है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंगली पूरा रोड इन्होंने बंद किया होगा क्योंकि नमाज पढ़ाई जानी ना बाहर। देखो भाई यहाँ से ट्रैफिक दिखना शुरू हो चुका है, पब्लिक आनी शुरू हो गई नमाज पढ़ने के लिए। 8 या 8:30 बजे नमाज होगी ना यहाँ पर, मतलब बहुत लेट होती है यहाँ पर, 8:30 बजे बहुत लेट हो गया। हमने तो 6:05 वाली पढ़ ली सुबह सुबह। और अभी आ गया शीशगंज गुरुद्वारा, उससे आगे रास्ता मेरे ख्याल से बंद कर देंगे आई थिंक। नहीं रास्ता तो अभी तक खुला हुआ है, रास्ता बंद नहीं किया। अभी 6:30 बजे का तो टाइम हुआ है ना, चलो फाइनली हमारा चाय की डेस्टिनेशन है भाई। भाई क्या मजाक हुआ यार, यहाँ लगाता है तो यहाँ है। अच्छा वहाँ पे वो सामने पहुँच गया क्या? अब भाई अभी भाई साहब गुस्सा आ जाता, 6.5 किलोमीटर गाड़ी हमारी चल गई है, क्योंकि यही एक ऑप्शन था हमारे पास, इसके अलावा और कहीं नहीं। वाला कॉर्नर पे भाई चाय लग रही है वहाँ पे गर्मा गर्म। तो गाइस अब चलते हैं बस जल्दी से घर पे, क्योंकि घर से मेरे फोन आ चुका है कि कसाई वहाँ पर आने वाले हैं 5 से 7 मिनट में। तो घर पर जाना और कुर्बानी करवाने का इंतजाम भी करना है, और साथ में इस बार छुरी भी मैं ही फेरूंगा बकरे पे। चलते हैं यार, मौसम बड़ा लाजवाब हो रहा है, तगड़ी हवा चल गई। जो मौसम सब खराब हो रहा था ना, हवा नहीं चल रही थी, हवा बिल्कुल बंद हुई हुई थी, मगर भाई फाइनली मौसम बहुत बढ़िया हो गया। जामा मस्जिद पर आ गए, यहाँ पर भी नमाज हो चुकी है। देखो भाई क्या खूबसूरत मंजर के साथ में जामा मस्जिद। अरे अरे पीछे बंदर, ओ भाई जबरदस्त मौसम हो रहा है। अब पहले चलते हैं कुर्बानी का हिसाब किताब करते हैं, फिर उसके बाद से मिलते हैं। सो
गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अदा यानी कि बकरीद की नमाज हमारी अदा हो गई थी। उसके बाद से हमने कुर्बानी भी कर ली थी और जहां जहां पर हमें गोश्त बांटना था वहां वहां पर हमने गोश्त बांटा भी। बस मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और जिन जिन लोगों ने सच्चे दिल से जिन जिन लोगों ने कुर्बानी की थी उन सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और जो जो एलिजिबल नहीं है कुर्बानी के उनको कुर्बानी करने के एलिजिबल बनाए, उनको ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अपनी दौलत से नवाजे। बाय द वे करते हैं इस वाले ब्लॉग की यहीं पर ही समाप्ति। कैसा लगा कॉमेंट करना मत भूलना। बाकी यहां तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक वाइक जो करना हो उड़ा दो, सब कुछ कर लो। जिंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।